अब गाइस कैसे हो आप सब। देखो जब से न्यूज आई है टाइगर वर्सेस पठान में सलमान एंड शाहरुख एक साथ पूरी फिल्म में देखने को मिलेंगे, तब से सलमान फैंस और शाहरुख खान के फैंस में वो गजब की एक्साइटमेंट आ गई है कि फिर से देखने को मिलेगा भाग अर्जुन भाग, यानी करण अर्जुन फिर से पूरी फिल्म में हमको देखने को मिलेंगे। ये कमाल करेंगे आदित्य चोपड़ा के साथ मिलकर सिद्धार्थ आनंद। जी हाँ, सिद्धार्थ आनंद जैसा कि अभी हालिया में पठान फिल्म बनाई है और वो बहुत ही चहेते बन चुके हैं आदित्य चोपड़ा के, क्योंकि बनना भी लाजमी है क्योंकि पठान ने वो रिकॉर्ड बना के दिए हैं जो किसी फिल्म ने नहीं बनाए। तो आदित्य चोपड़ा के बहुत करीब हो गए सिद्धार्थ आनंद, इसलिए तो सुपर स्टार को एक साथ एक फ्रेम में पूरी फिल्म के लिए लाने के लिए वो जिम्मेदारी दी गई है सिद्धार्थ आनंद को। और सिद्धार्थ आनंद इसके लिए बखूबी जानते हैं कि सलमान भाई को एंड शाहरुख भाई को किस तरीके से यूज करना है, क्योंकि वो कारनामा अभी लेटेस्ट पठान में उन्होंने करके दिखाया है। अब सोच लो साथ में सलमान एंड शाहरुख एक साथ हमको ये पूरी फिल्म में देखने को मिलेंगे तो कितना बड़ा तोहफा मिलेगा सलमान फैन एंड शाहरुख खान फैन को, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और उसमें अगर ये कंफर्म हो जाए कि इसमें दीपिका पादुकोण भी होंगी और जोया यानी कैटरीना कैफ भी होंगी तो सोचो सोने पे सुहागा है। अब ये भी खबरें आई हैं बीच में फैंस की तरफ से कि इस फिल्म में विलन जो हो वो आमिर खान हो। अब अगर बाई चांस आमिर खान इस फिल्म के अंदर होते हैं तो अंदाजा लगाओ यार फिल्म क्या होगी, यार क्या फिल्म बनेगी यार। सलमान शाहरुख आमिर ये तीन एक साथ हो, क्योंकि सपना तो करण जौहर ने देखा था कि एक साथ तीनों खान को एक बार एक फिल्म में लेके जरूर आएंगे, वो उनका सपना था। उन्होंने बोला था मैं एक फिल्म में सलमान शाहरुख आमिर को एक साथ लाऊंगा। अब वो फिल्म कब बनेगी ये उन्होंने कंफर्म नहीं किया था। अगर ये कारनामा आदित्य चोपड़ा कर जाएंगे तो बहुत बड़ी हिस्ट्री बना जाएंगे यार कि सलमान शाहरुख आमिर एक साथ एक फिल्म के अंदर मौजूद हों। और एक बात मैं लिख के बता दूं, करण अर्जुन एक ऐसी फिल्म है जो कितनों की फेवरेट फिल्मों में से होगी। इतनी कमाल की फिल्म राकेश रोशन ने बनाई थी। ये फिल्म 1995 में रिलीज हुई थी जिसमें सलमान शाहरुख खान पहली बार एक साथ हमको नजर आए थे और गजब का यूज किया था सलमान एंड शाहरुख का राकेश रोशन साहब ने। उसी तरीके से सिद्धार्थ आनंद भी कमर कसी है इन दोनों को एक साथ फिर से पर्दे पर लाने के लिए, जिसका फिल्म का नाम होगा टाइगर वर्सेस पठान। ये ऐसा नाम है कि हर बच्चे को पता है टाइगर कौन है पठान कौन है, इसको प्रमोशन करने की जरूरत भी नहीं है। और खाली इतना पता हो कि सलमान शाहरुख एक साथ हो तो फिल्म का नाम आप कुछ भी रख दो, वो फिल्म तो कुछ भी कर सकती है यार, कोई भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, ऐसे चुटकियों में तोड़ देगी 100%। अब उसके अंदर आमिर खान की अगर डिमांड हो रही है और आमिर खान भी आ गए तो जबरदस्त माहौल बनने वाला है यार, खतरनाक। लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये फिल्म की शूटिंग जो है जनवरी में स्टार्ट कर दी जाएगी, लॉक कर दिया गया है कि ये जनवरी में इसकी शूटिंग स्टार्ट होनी होनी है। तो सिद्धार्थ आनंद ने क्लियर डेट्स ले लिए सलमान एंड शाहरुख की कि भाई साहब हमको जनवरी में आप अपनी डेट्स दे दीजिए, क्योंकि इसकी शूटिंग बहुत जल्द स्टार्ट होगी। जनवरी में लिख के ले लो इसकी शूटिंग, 100% जनवरी के लास्ट में इसकी शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये कंफर्म हो चुका है। अब बाकी चीजें जो हैं इसके अंदर और कौन कौन कास्ट होगी वो भी बहुत जल्द पता चल जाएगा। जिस दिन वायरफ का बर्थडे होगा, सेलिब्रेशन होगा वायरफ का, उस दिन ये भी क्लियर हो जाएगा कि इस फिल्म के अंदर कौन कौन होने वाले हैं। सरप्राइज तो आदित्य चोपड़ा देंगे ही देंगे यार, इसमें कोई डाउट नहीं, वो हर साल ऐसा धमाका करते ही हैं। बहरा सिद्धार्थ आनंद इस वक्त बिजी चल रहे हैं अपनी आने वाली नेक्स्ट फिल्म जिसका नाम है फाइटर, जिसमें उनके लकी एक्टर यानी ऋतिक रोशन नजर आएंगे और साथ में होंगी दीपिका, जिसकी शूटिंग कमाल की हो रही है। और जो उसके बस बने हैं फाइटर के वो अभी उतने हाइप नहीं हुआ है, उतना ज्यादा बस नहीं बना है, लेकिन जिस वक्त ये फिल्म कंप्लीट होगी और इसके टीजर या ट्रेलर आएगा तो बाप लेवल पे आग लगाएगी ये फिल्म, इसमें भी डाउट नहीं है। तो दोस्तों आप कितना एक्साइटेड हो इस फिल्म को लेकर हमें जरूर बताएगा। और भाई की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना। ओके टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।